हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए एक अलग तरह का रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसान और जल्दी से बनकर तैयार होता है। अगर आपको तुरंत खाने का मन करे तो बन सकता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये है पोहे और सूट पोटैटो यानी कि शकरकंद का पराठा। देखिए, ये पोहे है, 3 कटोरी लिए हैं और एक बड़ा सा शकरकंद जो मैं या सूट पोटैटो बोलिए उसको मैं बॉयल करके ली हूँ, उसका छिलका उतार दूँगी और इसको धो अच्छे तरह से धो के पानी हटा दूँगी और ये थोड़ा सा फूल जाएगा। देखिए धो दिए हैं, तो फूल गया है और इस कोन को मैं छील ली हूँ। छीलने के बाद अच्छी तरह से मैश करना है कि इसमें छोटा छोटा नहीं रह जाए, या आप फॉक से कीजिए या आलू मैश करने वाला जो रहता है उससे कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मैश हो जाएगा। और ये सब मैं सब्जी डाली हूँ, ये बीन्स है, थोड़ा सा बीन्स था मैं वो डाली हूँ, ये हरी धनिया है, हरी मिर्ची है और ये अदरक है। अगर प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, पड़ेगा है, लेकिन हम अभी नहीं डाल रहे हैं। और ए, और थोड़ा मैं सूखा मसाला डाल रही हूँ, वो देखिए आपको बता रही हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये आमचूर पाउडर है, ये थोड़ा सा गरम मसाला है, थोड़ा सा हल्दी है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला या पाव भाजी मसाला जो भी पसंद करती है वो डाल सकती है, थोड़ा सा सांभर मसाला है, 1 चम्मच के करीब में सांभर मसाला है, और स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। आप स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए या जो जितना आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा नमक। और सभी सब्जी, गाजर, बीन्स, जो आप पसंद करती है, गोभी, जो भी आप सब्जी पसंद करती है उसको घिस कर और डाल दीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और डाल दीजिए, इसमें बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा मैं और चाट मसाला डाली हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और अब इसमें मैं मैश किया हुआ पोटैटो डालूंगी। ऐसे आपको पास स्वीट पोटैटो ना हो तो आलू भी डाल सकते हैं, आलू बॉयल करके अच्छी तरह से मैश करके डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर का, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी डाल सकती हैं, 4-5 चम्मच मैदा डाल सकती हैं, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। ऐसा डो तैयार कीजिए जो हम चपाती बनाते हैं वैसा डो तैयार करना है। इसमें पानी हल्का फुल्का डालिएगा, हल्का पानी डाल के छिट्टा डालिएगा, क्योंकि पोहे जो मैं धोई थी वो पूरा फूल गया है, उससे सानने में आसान होगा, लेकिन अगर ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं। अच्छी तरह से सान के थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए जैसे आटा हम सानते हैं वैसे होने शुरू हो गया है, थोड़ा सा सानने में टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा डो तैयार होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छी तरह से देखिए बाइंडिंग हो जाए, देखिए आटा की तरह करके और थोड़ा सा इसमें तेल लगा कर रख 10 मिनट रख दूँगी। उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद इसको फिर मसल दूँगी, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के या घी लगा के, जो भी आप पसंद करते हैं, तेल घी
जिसको टमाटो सॉस, हरी चटनी या जो भी कुछ भी इस चटनी के साथ खाना चाहते हैं, बहुत टेस्टी होता है। बच्चा को भी बहुत पसंद पड़ता है, सभी लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा साइड से फटता है लेकिन पूरा टूटेगा नहीं। अब जैसे रोटी बनाने में परथन थोड़ा सा आटा छीट देती हैं, उस तरह तवा पर लगा दीजिएगा और रोटी की तरह बेलिए। थोड़ा सा साइड से फटता है लेकिन फिर आप चिपका दीजिए, ठीक हो जाता है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकती हैं आप, देखिए पता है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, एकदम पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होगा तब भी अच्छा लगेगा। एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तो दूसरी तरफ पलट दीजिए, जैसे आप पराठा बनाती हैं वैसे ही आलू पराठा वगैरह बनाती हैं। आलू पराठा, पनीर पराठा, वैसे जैसे सेकती हैं वैसे ही सेकना है इसको, थोड़ा सा लाल लाल सेकना है। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब पलटिए, क्रंची भी लगता है। अच्छी तरह से चारों तरफ से घुमा लो मसेज भी, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए हल्का। देखिए बनकर तैयार हो गया पराठा। जैसे हरी चटनी या सॉस है, मैं बादाम का चटनी बनाई हूँ और सॉस है उसके साथ परोसी हूँ। देखिए कितने देखने में अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी होता है, देखिए इतना मुलायम भी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।